गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं स्केलर और वेक्टर का नया लेक्चर। ठीक है, एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप जैसा सीरियल में होता है वैसे पढ़ाई में भी होना चाहिए। हम लोग ने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये अगर बी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये देखा था। देन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, ए बी सी डी। ठीक है, ये जो होगा आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट इसका ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट क्या था आपका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये क्या बोलता था अगर आप याद करो तो, अज्यूम कर लो आपका ये ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बाद क्या करो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ये लो कंप्लीट कर दिया, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब डायगनल जो होता था पैरेललोग्राम का क्या देता था आपका, रिजल्टेंट देता था। ओके, तो टोटल तीन कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट पढ़े थे और फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, जो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, टाइप्स ऑफ वेक्टर को रिटर्न से रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है मेरे रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे चलते हैं। चलिए आगे, अच्छा इरेज करें, देखो फिर आ जाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ डायरेक्शन बता रहे थे कि ये वेक्टर ऐसा जाएगा, ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रूफ देखेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग। मैथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, पहले प्रूफ करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अज्यूम कर लो एक ए वेक्टर, एक सेकंड ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो बाहर और इसको भी एक्सटेंड करो, तो बड़ा वैसे क्या 90 डिग्री होगा। ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल आपको दिख रही है, और होती भी पैरेललोग्राम तभी ना होगा सर, यस और नो, ये इसके पैरेलल है तो ये थीटा हो जाएगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, ओके, ये भी तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये भी ये ए तो बड़ा ऑब्वियस है, ये भी ए, लेकिन मैं बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये थीटा है, हाँ सर, ये बी है तो ये भी है, ठीक है, हाँ है। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी और ई। ठीक है, मैं बोलता हूँ ट्रायंगल ए बी सी लो जरा, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में लो, बना दो ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल डी बी और सी, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है बी। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि डी सी कितना होगा, डी सी, डी सी, ओके सर, डी सी के लिए ये 90 डिग्री है, तो डी सी के लिए साइन लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये सुन, यहाँ से डी सी कितना आ जाएगा सर, डी सी इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये सुन, डी सी इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, इसको लिख दो बी साइन थीटा। अब बात करते हैं बी सी की बात करते हैं, देखो जरा बी सी, सर बी सी हो जाएगा, देखो जरा यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अर्जेसेंट अर्जेसेंट अर्जेसेंट, यस और नो, अर्जेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस,
दैट इज बी सी बाय बी। ठीक है, अगर आपको सब ये देखना है कि यह कैसे क्या हो रहा है, तो मैंने बेसिक मैथ्स में ये पूरा डिस्कस कर रखा है, बेसिक मैथ्स में पूरा डिस्कस है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ओके, यहां से बी सी आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, ये भी मालूम पड़ गया, ये कितना है आपका, ये है आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, आकी ना, ठीक है सर, चलो लाइन खींचो। ठीक है सर, खींच दिया। अब बोलो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो बताओ कि ये क्या होगा। सर ये तो रिजल्टेड होगा किसका, ए और बी का, यस और नो, रिजल्टेड होगा किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, यस और नो, यस और नो। तो मैं बोलूं कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, किसको ध्यान से देखना है सर, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ध्यान से देखो जरा, ट्रायंगल ए डी सी, सर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हाँ है तो सर, मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस ए डी सी में बी साइन थीटा द होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूँ भाई और कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब क्या करोगे, ओपन करेंगे और क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। अब बताओ जरा सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये ध्यान दो, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके, ये क्या है, टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, हाँ कि ना, बिल्कुल कुछ दिख रहा है आपको, क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो वन हो गया भाई, यस और नो, ये वन हो गया ना भाई, ठीक है, प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आपका आर कितना आ जाएगा भाई, उधर भेज दो ना, इसको उधर भेज दो, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा। ये लो, अच्छा तो ये क्या है आपका, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ओके, तो इसका बोल सकता हूँ कि यह है आपका मॉड ऑफ, रिजल्टेंट को मॉड से डिनोट करते हैं, ठीक है, अभी तक तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट को मॉड से डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी, अगर कभी बोले ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके ओके सर, चलिए ये तो हो गया एक चीज, अभी दूसरी, दूसरी भाई, अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन मतलब होता है एंगल, एंगल, अगर मैं इसको अल्फा नाम दे दूं, मैं बोल सकता हूं कि ये रिजल्टेंट है, मैं इस रिजल्टेंट को अल्फा नाम दे देता हूं, इसे रिजल्टेंट को अल्फा नाम देता हूँ, अल्फा बोल देता हूँ, और ऑब्जर्व करने वाली बात ये कि जो अल्फा जो है, मैं डायरेक्शन कहाँ से निकाल रहा हूँ, कौन से वेक्टर से, मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर से भी डायरेक्शन निकाली जा सकती है, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो बताओ जरा टेन अल्फा क्या होगा यहाँ से, हाँ डायरेक्शन अगर निकालनी है, अगर कभी मुझे डायरेक्शन निकालनी है, अगर कभी मुझे डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं टेन ही निकाल दूंगा, मैं टेन ही निकालूंगा, ठीक है, आ जाओ जरा, तो बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कभी भी आगे चल के जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, आगे चल के जब आप एनएलएम पढ़ोगे, आगे चल के जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, आगे चल के आप जब आरबीडी पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास में ज्यादा काम नहीं आता, आगे चल के जब आप आरबीडी पढ़ोगे रोटेशनल डायनेमिक, आगे चल के जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे मैग्नेटिज्म में जाओगे, तो आपको डायरेक्शन पूछेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, हमेशा टेन अल्फा से ये दिमाग में बैठा लो, तो डायरेक्शन इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा बोलो जरा, टेन अल्फा क्या होगी सर, टेन अल्फा अगर ये 90 डिग्री है ट्रायंगल एडीसी में, सब कुछ देखने किसमें, एडीसी में, हर चीज एडीसी में, तो ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू अपोजिट, ट्रायंगल क्या होता है, टेन थीटा, टेन अल्फा क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा। ठीक है,
ओके तो ये क्या आ गई आपकी डायरेक्शन, क्या आ गई आपकी डायरेक्शन, ओके tan alpha is equals to b upon b sin alpha upon cos theta। मान लो कि अगर ये ना पूछ के इसको बीटा नाम बोल दूं, मैं बोलूं b के साथ निकालो बाबू, जरा b के साथ निकालो मेरे प्यारे भाई, निकालिए चलो आ जाइए निकालते हैं b के साथ, देखो जरा भाई सर बीटा नाम दे दो। ओके तो अगर मैं b के साथ पूछूं ये किसके साथ है, a के साथ, डायरेक्शन बीच a, ये सर नो लिख दो इसको डायरेक्शन विथ ए वेक्टर, यस और नो डायरेक्शन विथ ए वेक्टर। अगर आपसे कभी लग बाय चांस पूछ ले क्या डायरेक्शन विथ बी वेक्टर, बी वेक्टर कुछ नहीं सर, बिल्कुल सब ए और बी को इंटरचेंज कर दो, बस ए और बी को इंटरचेंज कर दो, डायरेक्शन विथ बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बोलो जरा, सर ये हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए कॉस अल्फा, ये लो बिल्कुल सिमिलर है, बस ए क्या हो रहा है बी से इंटरचेंज हो रहा है, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ओके तो डायरेक्शन याद रखनी है। अब थोड़ा केसेस देखते हैं, केसेस देखते हैं, चलो लिखो इसको, लिखो इसको, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना, वेक्टर का प्रूफ फिजिक्स के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ये प्रूफ याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला नहीं है सर, ये फॉर्मूला नहीं है, तो क्या है सर ये फॉर्मूला नहीं, तो ये अमृत है, ये अमृत है, ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए मतलब आप बिल्कुल अमृत को अपने हाथ से दूर भेज रहे हो। तो याद रख लो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी, आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर, थीटा क्या है आपका एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर, थीटा क्या है आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ओके तो याद होना चाहिए, फॉर्मूले से बिल्कुल मस्ती नहीं चाहिए सर, ठीक है। आर मतलब रिजल्टेंट, कभी भी रिजल्टेंट पूछेगा दो वेक्टर दिया रहेगा तो इसी के हेल्प से रिजल्टेंट निकाल देंगे, ठीक है चलिए लिख लो इसको, हो गया आ जाओ अभी देखो केसेस डिस्कस करते हैं मेरे भाई, केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, चलो तो केस नंबर वन व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, मतलब अगर ए वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर भी ऐसा हो जाए पैरेलल हो जाए तो भाई मेरे दोनों के बीच एंगल क्या होगा थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, यस और नो थीटा क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा। चलिए तो रिजल्टेंट क्या होगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा, हाँ कि ना यस और नो ओके, यहाँ से आर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ थीटा कितना है जीरो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है सर बोलो, कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, बहुत बढ़िया जिसने भी वन आंसर दिया वेरी गुड, कॉस जीरो वन होता है, कॉस नाइन्टी जीरो होता है, साइन नाइन्टी वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है याद रखना है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस जीरो कितना होता है वन, ठीक है कॉस जीरो कितना होता है कॉस जीरो वन होता है, ठीक है चल तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी। अब बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये लिखा है आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देख लो इधर, मान लो छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा है कि इफ इधर आपको ए दिया है 10 न्यूटन और इधर आपको दिया है बी भी 20 न्यूटन, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा इसका बहुत सिंपल है दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 30 न्यूटन, दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है बहुत सिंपल है ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस टू देखो जरा, केस टू आ जाओ जरा देखो, केस टू देखते हैं, केस टू क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, मतलब अगर ए ऐसा है तो बी आपका ऐसा होगा, ठीक है ए अगर आपका ऐसा है तो बी कैसा होगा बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, ठीक है तो अब बोलो जरा ए मतलब थीटा क्या होगा दोनों के बीच का, सर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री ना दोनों के बीच का एंगल,
रिजल्टेंट कितना होगा सर, फॉर्मूला बोलो जरा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या 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 बोलो बोलो, बोलना है सर मैंने कैसे बोला था, कैसे पढ़ना है, जब मैं कुछ पूछूं तो उसको एक छोटे से पेज में लिख लो, फिर चेक करो कि राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है, या फिर जहां बैठे हो जोर से बोलो, डरो मत, शर्माओ मत, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस 180 डिग्री, और याद रखना कॉस 180 डिग्री होता है माइनस वन, जैसे कॉस जीरो कितना होता है वन, वैसे कॉस 180 डिग्री कितना होता है माइनस वन, ठीक है। चलिए यहां से रिजल्टेंट आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी। अब सबको दिख गया होगा सर ये लिखा है ए अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर, अर्थात मॉड ए माइनस मॉड बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इसका भी एक देखो, बेसिक एग्जाम्पल, चलो देखो जरा, मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एक आपका 20 न्यूटन इधर है और आपका 10 न्यूटन इधर है, तो नेट क्या निकालेंगे, आर नेट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, दैट इज आर नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इस साइड इस साइड, डायरेक्शन इसकी इस साइड, ऐसे अगर चाहो तो आप उसको ईस्ट बोल दो, चाहो तो आप उसको ईस्ट बोल दो, अभी ईस्ट बोल रहे हैं बाद में उसको आई कैप बोलेंगे, अरे सर ये क्या है, रुक जाओ बताते हैं उसको भी बताते हैं, ठीक है ओके। केस वन केस टू दो केस हो गए, ठीक है, केस थ्री डिस्कस करते, लिखो जल्दी इसको, हो गया, चलिए लिख लिया होगा, केस थ्री डिस्कस करते हैं, केस थ्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है केस थ्री, तो इसलिए उसके लिए स्पेस चाहिए मुझे, आ जाओ जरा, केस थ्री ओके, चलिए केस थ्री देखते हैं, केस थ्री क्या है, व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है ओके, मतलब थीटा क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक, चलिए आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा, ओके, यहां से आपका आर कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है 0 डिग्री, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है बोलो जरा, ये हो जाएगा सर कॉस 90 इज 0, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये सॉर दू, मतलब ये है सर कि मतलब ये है, अगर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, दो वेक्टर अगर ये आपको कोई मान लो थ्री इधर दिया हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लो थ्री इधर दिया है फोर इधर दिया है, इसका जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ ये फॉर्मूला लगाने से, कैसे, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, दैट इज 25 या फिर इसका 5 आ जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाला जा सकता है, ओके लिखो इसको, चलिए आ जाओ, अब मान लो देखो जरा एक चीज और देखो, अगर इसका मान लो मुझे क्या डायरेक्शन निकालना हो, दैट इज अल्फा, डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज टेन अल्फा निकालना है, मान लो टेन अल्फा इसके साथ बना रहा है फोर के साथ, इसका कुछ सोचना ही नहीं है, जिसके साथ बना रहा है उसके अपोजिट में, जिसके साथ बना रहा है उसके अपोजिट में, जिसके साथ बना रहा है उसके अपोजिट देखो, दैट इज थ्री बाय फोर, और अगर समझने देखो ये वेक्टर है, और अगर समझने नहीं सर ये तो आपने ट्रिक बताई, मेथड बताओ क्या है, मेथड देखो, देखो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो जरा, ये ऐसे है, ठीक है, ये आपका फोर है ओके, ये आपका थ्री है, ठीक है ओके, अब ये थ्री को आप इधर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और ये आपका कितना है अल्फा, मुझे यही चाहिए, इसको आप रिजल्टेंट पैरेलल थ्री को शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये कितना हो गया आपका, ये थ्री है ये फोर है, और बट ऑब्वियसली ये इससे मीट करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, यहाँ से कितना जाएगा आपका 10 अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो,
या फिर ऐसा सोचो कि जिसके साथ चाहिए उसका अपोजिट अपॉन वो, ठीक है ओके। लिखो इसको, चलो फटाफट इसको इरेज करते हैं, आगे मूव करते हैं, लेते हैं न्यूमेरिकल। चलो देखो आ जाओ न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड बी इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड थीटा जो बी इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इसको भी 4 ले लो, एंड थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, फाइंड रिजल्टेड स्टेट और फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये सुन, ये बहुत स्टेट और फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखो इसको, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा, हाँ कि ना। चलिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ द ए, 4 into 5 cos 37, ठीक है ओके। देखो इसको, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ओके। 2 into 4 into 5 प्लस 2 into 4 into 5, अब बताओ cos 37 कितना होता है, जिसको नहीं आता फिर से यहाँ पे देख लो, ये एंगल आपको मस्ट है, cos 37 cos 53 sin 37 और sin 53, ये 4 एंगल आपको आने ही चाहिए, ठीक है। मैंने उसे बेसिक मैथ्स में बताया है लेकिन मैं जानता हूँ कि याद नहीं होगा, तो एक बार फिर से देख लो। sin 37 आपका होता है 4/5, cos 37 होता है आपका 3/5, tan 37 आपका होता है 3/5, cos 37 होता है आपका 4/5, ठीक है, ये एंगल आपको आने ही चाहिए ओके। 4 एंगल आपको मस्ट है, याद होने ही चाहिए, ठीक है ना, 4 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। ये लिख लो उसको, चाहो तो लिख लो कहीं, आप पेज के ऊपर लिखो, मतलब यहाँ पे लिखो ऐसे करके लिख लो उसको ओके, तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए cos 37 कितना होता है, cos 37 इज 4/5, cos 37 इज 4/5 ओके। देखो इसको, ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब 5 से 5 कैंसिल ओके। चलिए तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25 कितना होता है सर, 41, यस और नो, प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, 32, तो रिजल्टेंट कितना आ गया आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहे, ठीक है, कितना हो गया आपका, ये दिख रहा है सर आपको 70 73 है ना, ये यस और नो, 4 × 2 = 8 = 32, 4 × 4 = 16 16 = 32, 16 × 5 = 21 41 73, तो रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 73 ओके। पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको 2 दिया था, एंगल दिया था, निकाल के करना है ओके। थोड़ा सेकंड क्वेश्चन और थोड़ा लेवल अप करते हैं, तो भी आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बेसिक डील करेंगे, है ना, और मैंने अभी बोला कि वेक्टर एक बेसिक मैथ्स का टूल है, एक टूल है, टूल ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, टूल बहुत आसान होना चाहिए, बट ऑब्वियसली कि बहुत ईजी पार्ट है ये, ठीक है, टेंशन मतलब इरेज करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। एंगल लिखा रहने दो, काम आ सकता है वो, लिखा रहने दो उसको, डरो मत उससे, ठीक है ना, लिखा रहने दो उसको, मिटाते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड आर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और आर, आर मतलब रिजल्टेंट, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, रिजल्टेंट है, आर इक्वल, आपको इक्वल दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ठीक है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है। ओके ठीक, सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बोलो सर, फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ए इक्वल है बी इक्वल है, दोनों इक्वल है, आर भी है, तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं, इसको ए बना देता हूँ, ये सॉर्ट में जहाँ जहाँ बी रखा है उसको भी ए बना देता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू ए का स्क्वायर कॉस थीटा, ये सॉर्ट में यार ए और बी दोनों इक्वल है मेरे भाई, ए और बी दोनों इक्वल है, तो आर की जगह मैंने ए रख दिया, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, ये देखो कंडीशन ये दे रखी है, तीनों आपस में इक्वल है, तीनों भाई इक्वल है, तो आर की जगह ए रख दिया, ए की जगह तो ए है, बी की जगह ए रख दिया, टू इंटू ए, ए की जगह ए और बी की जगह बी, तो टू ए स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। ओके ठीक है, तो ये ए है आपका। ओके, यहाँ से ये ए, ये रूट से बाहर लोगे तो क्या निकलेगा, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, अगर आप रूट से बाहर लोगे तो कैसे लोगे, देखो ऐसा लोगे ना, ए स्क्वायर अंदर क्या बचा आपका, टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, ये सॉर दो। ओके, अब ये ए स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा, क्या बनेगा, सिर्फ ए बचेगा, ये सॉर दो, तो ए इज इक्वल टू ए अंडर रूट टू प्लस टू कॉस थीटा, ये ए और ये आपस में मर मुरा गए, ठीक है, बचा क्या वन, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू प्लस टू कॉस थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, अभी आ जाते हैं भाई, स्पेस है तो आराम से करेंगे, टेंशन नहीं है, चलिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर दोनों साइड ले लो तो क्या बचेगा सर, ये हो जाएगा आपका वन इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा, ठीक है, इसको इधर भेज दो तो माइनस वन इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस वन बाय टू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा कितना 120 डिग्री है ना, ये आपको याद होना चाहिए, 120 डिग्री होता है ना, कुछ एंगल जो आपको याद होना चाहिए, जैसे थीटा इज इक्वल टू 120 कितना होता है, मतलब कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ये आपको याद होना चाहिए, माइनस हाफ होता है, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ये आपको याद होना चाहिए, कुछ एंगल है जो बिल्कुल मतलब बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो मतलब जरूरी क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, मेथड पढ़े फॉर्मूला पढ़े अब उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है लिखो इसको, एक और लेते हैं, चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो जरा ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन देखो, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ इफ टू वेक्टर, टू वेक्टर, दो वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड टू एफ एंड, अब मिटाना पड़ेगा मेरे भाई, अब मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, टू एफ एंड रूट टू एफ इफ दे आर रिजल्टेंट, इफ दे आर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज रूट टेन एफ, रूट टेन एफ है, ठीक है, फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, ओके पक्का, चलिए सॉल्व करते हैं, रिजल्टेंट दिया है मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, ये सुनो, रूट टेन एफ आपको रिजल्टेंट दिया है मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या है बोलो सर, ये है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ द एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, सर कभी आप कैपिटल ए लिखते हो, कभी स्मॉल ए लिखते हो, कभी एफ लिखते हो, कभी एफ वन एफ टू लिखते हो, ये क्या चल क्या रहा है आपका, ये मेरे भाई इसलिए लिखता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बस वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड दिया होना चाहिए, बस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, आप यहाँ पे धड़ल्ले से बड़े धूमधाम से बाजी गाजी के साथ लिख सकते हो, ठीक है कोई डाउट नहीं सर, चलिए आर इज इक्वल टू, चलो एक सेकंड रुक जाओ, बताओ एफ वन कितना दिया है मेरे भाई, सर एफ वन है आपका टू एफ, ओके बताओ एफ टू कितना दिया है मेरे भाई, सर एफ टू दिया हुआ है रूट टू एफ, रूट टू एफ, सर रिजल्टेंट कितना दिया है रूट टेन एफ, ये सॉल्व रखो और सॉल्व करो और क्या, चलिए तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेन एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब एफ, चलिए एफ वन कितना है टू एफ, दैट इज फोर एफ का स्क्वायर, टू एफ द होल स्क्वायर, एफ वन कितना है देखो टू एफ, एफ टू कितना है
root 2 f the whole square. Okay, 2 times of the f1 into f2, चलिए plus 2 times of the f1 कितना है 2f, f2 कितना है root 2f, ठीक है, cos थीटा, वही थीटा ही तो निकालना है बाबू, यस और नो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, वही तो निकालना है भाई, चलिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ द साइड, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 f का स्क्वायर, यस और नो, ये कितना हो गया आपका, रूट हट चुका है, रूट का समापन खत्म, रूट बिल्कुल तबाह हो गया बेचारा, अंदर क्या बचा, 4 f का स्क्वायर प्लस 2 f का स्क्वायर प्लस 2 2 4 2 2 4, यस और नो, 4 रूट 2 f का स्क्वायर cos थीटा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ओके सर ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए तो ये देखो 4 2 6 f का स्क्वायर इधर आया, तो ये हो गया आपका 10 f का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 6 माइनस 6 f का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 f का स्क्वायर cos थीटा, हाँ कि ना, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 10 f का स्क्वायर माइनस 6 f का स्क्वायर, 10 f का स्क्वायर माइनस 6 f का स्क्वायर कितना होगा 4 f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 f स्क्वायर cos थीटा, हाँ कि ना, ओके चलिए, सबको दिख रहा होगा सर f स्क्वायर काट दो सर, 4 4 भी तो काट दो, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से सर, ये बचेगा आपका 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा, ये सब ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया सर, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना, मतलब आपका जो ये वेक्टर है, ये f1 और f2 जो है आपका 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, ओके ठीक है, चले आ जाओ लिखो इसको, लिख लो इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए चार से पांच क्वेश्चन लेंगे सर, आई थिंक ये पांचवा क्वेश्चन है, दो और लास्ट क्वेश्चन दो और लेंगे फिर आज के लिए स्टॉप कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो ज्यादा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर है आपका, इफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड बी, ए एंड बी एंड दे आर रिजल्टेंट एंड एंड their resultant and their resultant is real, their resultant is perpendicular to perpendicular, perpendicular किसके, perpendicular to a vector, a vector and perpendicular to a vector and magnitude of resultant vector is magnitude of resultant vector is half of the b vector, ठीक है, half of the b vector, then find angle between the vector, find angle between the vector, अब इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना, इसमें डायग्राम तो लेना ही पड़ेगा, चलिए डायग्राम बनाते हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है, इफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ए, मतलब ए और बी आपके दो वेक्टर है, ठीक है, ए और बी हैविंग टू वेक्टर, देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द, जो उनका रिजल्टेंट है क्या है, ए के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ओके, ये ए है और ये बी है, ओके ठीक है, और क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आर अगर मान लो रिजल्टेंट को, ये परपेंडिकुलर टू किसके है आपके, ए वेक्टर के क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, ओके यही बोल रहे हैं ना भाई, यस और नो, ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज हाफ ऑफ द, मतलब
कि अगर मैं r का मैग्नीट्यूड बोलूँ तो हाफ ऑफ द b वेक्टर है, यही बोल रहे हैं, दो कंडीशन दे रखी है उसने, ठीक है। कैसे करना है, क्या सोचिए सर कैसे करें? ओके ऐसे करें, मुझे क्या चाहिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए, ये सॉल्व करो। मतलब देखो एक बात तो क्लियर है क्या, कि एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है तो सर मैं एग्री करता हूँ। ओके अगर एंगल ये 90 डिग्री है, ये थीटा मुझे चाहिए बस, यस और नो? हाँ सर थीटा चाहिए, थीटा चाहिए बस। ओके सर क्या बोलो, ये आर वेक्टर है, हाँ है, ओके, और ये आपका बी वेक्टर है, हाँ है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या, कैसे कि इसको आप ज्वाइन कर दो, हाँ कर दिया ठीक है। ओके मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ वेक्टर ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको समझाया है कि लास्ट में समझाया कि जैसे मान लो कि अगर ये आपका, देखो मैंने आप एक क्लास लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था कि अगर ये 5 यूनिट वेक्टर है, ठीक है ये 5 यूनिट का वेक्टर है, दूसरा यूनिट अगर 10 वेक्टर का है इसका डबल बनेगा, यस ऑन है ना, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये अगर इसको मैं 90 डिग्री बोल दूँ, इसको मैं 90 डिग्री यहाँ से बोल दूँ, ठीक है 90 डिग्री अगर यहाँ से बोल दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा, ये आर है और ये बी है, ठीक है ये आर है और ये बी है। ओके यहाँ से मैं एक चीज़ निकालना चाहता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर कॉस थीटा ही क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना, मुझे सिर्फ इसका मालूम है कि बी है, मुझे सिर्फ इसका मालूम है बी है और ये आर है, इसके बारे में तो मुझे कुछ दिया नहीं है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू अडजेसेंट, कॉस थीटा क्या होता है अडजेसेंट, अडजेसेंट ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ना, अडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज बी, यस और नो, अडजेसेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बी, मतलब अडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यस और नो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर, यस और नो, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सर, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यस और नो, अगर थीटा मिल जाए तो बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा, जैसे एक सेकंड यहाँ से उठा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा वो होगा 90 प्लस थीटा, यस और नो, 90 प्लस थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा सर, थीटा निकल सकता है अगर आप ध्यान दो तो, मॉड आर इज इक्वल टू बी बाय टू, ये किसने बोला, अरे देखो ना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज हाफ ऑफ द बी वेक्टर, ये पहले से गवर्नमेंट ने दिया है, तो मैंने वही कंडीशन लिखी, अब लगा दो इसमें, ठीक है सर बिल्कुल सही है, और देखो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, आर कितना है, मॉड बी बाय टू अपॉन मॉड बी, ये सब मैग्नीट्यूड है सर, ये सब मैग्नीट्यूड है, ठीक है बी और बी कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया सर, 1/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टेबल ट्रिगो टेबल याद होनी चाहिए जो हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़े थे, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ टेबल याद होनी चाहिए, वैसे भी टेबल याद होनी चाहिए सर, हर जगह काम आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कि कॉस थीटा अगर 60 डिग्री है तो कितना होगा, हाफ होना चाहिए, यस नो, साइन 30 है तो कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, साइन 60 है तो √3/2 होना चाहिए, यस और नो, ठीक है ऐसा याद होना चाहिए। ओके थीटा 60 डिग्री है तो लिखो भाई यहाँ पे और क्या कर लूँ, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर कितना आ गया 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री, तो लिख सकते हो आंसर, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 150 डिग्री, 150 डिग्री। ओके लिखो इसको कैसे किया देखा, अब एक सिमिलर क्वेश्चन लेता हूं, सिमिलर क्वेश्चन सारा मतलब सिमिलर क्वेश्चन होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस होगी, उसको ध्यान से देखना करने का मेथड। ओके लिखो इसको, हो गया लिख के चले, पक्का चले, आ जाओ देखो ध्यान दो, चलो यहाँ पे ध्यान दो, आ जाइए, इरेज कर रहे हैं भाई, इरेज कर रहे हैं, लिख लो इसको जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थोड़ा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अच्छे से संभाल के खेलेंगे भाई उसको, ठीक है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो संभाल के खेलेंगे, आ जाइए जरा, चलिए आ जाओ देखो यहां पे, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, इफ 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 ए एंड बी आर
टू वेक्टर, दो वेक्टर है आपके ए और बी करके दो वेक्टर, ठीक है, ए एंड बी टू वेक्टर, इफ इफ रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज 12, रिजल्टेंट कितना दिया है आपको 12 दिया, ठीक है, और ए प्लस बी वेक्टर मतलब उनके मॉड का वेक्टर, उनका ए प्लस बी मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी ऐसा बोल सकते हो, रिजल्टेंट कितना दिया है 12, ओके, एंड एंड सम ऑफ द वेक्टर, सम ऑफ द वेक्टर, सम ऑफ द वेक्टर आपको कितना दे रखा है 18 दे रखा है, सम ऑफ द वेक्टर कितना दिया है आपको 18 दिया है, इफ सम ऑफ द वेक्टर इज 18, ओके, इफ सम ऑफ द वेक्टर इज 18, ओहो ओके सर, सम ऑफ द वेक्टर इज 18, एंड एक और कंडीशन है, एंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज पर पेंडी, पर पेंडिकुलर टू स्मॉलेस्ट वेक्टर, ए और बी में से कोई ना कोई छोटा बड़ा होगा ना भाई, अगर दो आदमी है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, यही दो केस हो सकते हैं, यस और नो, एक छोटा होगा या फिर एक बड़ा होगा, क्या बोल रहा है कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलेस्ट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू स्मॉलेस्ट वेक्टर, देन स्मॉलेस्ट वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर, यस और नो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं सर, ध्यान दो, आराम से करेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, देखो चलिए सर, ठीक है, ये लो क्वेश्चन को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, अब ध्यान दो, ये एक आपका क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, मैं मान लेता हूँ स्मॉल मेरा क्या है ए वेक्टर है, मैंने मान लिया कि स्मॉल वेक्टर इज ए वेक्टर, मैंने अज्यूम कर लिया कि ए वेक्टर जो है मेरा वो स्मॉल वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर बड़का वेक्टर है, ठीक है, बड़का है और वो छोटका है, तो बट ऑब्वियस है कि मेरे कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो स्मॉल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इफ रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलेस्ट वेक्टर, जो छोटा होगा उसके परपेंडिकुलर है, ओके ठीक है सर, चलिए बात सही है, ओके, तो ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, इस बात पे हर कोई एग्री करता है, हाँ सर एग्री करते हैं, ठीक है, ओके ठीक है, तो अब ध्यान दो, क्या ध्यान दे सर, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर जो है इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, पैरेलली शिफ्ट करके देखो जरा, पैरेलली बी वेक्टर को मैंने बोला है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, मैंने ऐसा बोला है, इस बी वेक्टर को, इस बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ला रहा हूँ, ऐसे मैंने बी वेक्टर को सिर्फ पैरेलली शिफ्ट किया है, ठीक है, बी वेक्टर मेरा यहाँ पे आ गया, बी वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया है, ठीक है, बी वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया है, मैंने बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग ऑफ बी वेक्टर पैरेलली, बी वेक्टर पैरेलली, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा के रखा है ना, हम लोग को वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मैंने पढ़ा के रखा है, ठीक है, ओके, ये लाइन को हाईलाइट करते हुए आगे मूव करते हैं, अब ध्यान दो जरा, ये 90 डिग्री है, हाँ ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा है, ये आर वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ये पूरा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये पूरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, 90 डिग्री सबको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, अंधे समझो क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि ए का मैग्नीट्यूड प्लस आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड, ओ ओ ठीक 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 है, कोई नहीं चलिए, ठीक है सर, तो अब मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, अरे कुछ नहीं सर, उसको उधर लेके गया, इसको आपके आर को इधर ही रहने दिया और ए को मैंने धक्का दे दिया, इधर से आर ने क्या किया, ए को उठा के इधर फेंक दिया, ठीक है, ओके चलिए, अब मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी और बी माइनस ए, ठीक है बिल्कुल, लेकिन लेकिन एक चीज हम लोग लिखना भूल गए क्या, आर टू वेक्टर फलाना ढिकाना ए और बी 12, इफ इफ सम ऑफ द वेक्टर इज 18, इफ सम ऑफ द वेक्टर इज 18, मतलब आपको a प्लस बी आपको 18 दे रखा है,
ठीक है, a प्लस बी 18 दे रखा है, और रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज 12, मतलब r आपको 12 दे रखा है, यस और नो? तो ये सब क्या आरती तारने के लिए दिया, क्या नहीं रखो भाई इनको, चलिए इसको रखो इसमें, r का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ओके। a प्लस बी कितना दे रखा है 12 रखो, मतलब सॉरी 18, a प्लस बी इज 18, ओके। b माइनस ए, सर 12 का स्क्वायर आजकल कितना होता है, आजकल क्या हमेशा 144 ही होता है, ठीक है, धारा 144 लगती है ना, कोरोना काल में धारा 144 ही लगी थी, जिससे हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। 18 एट जा 18 8 144 होता है, अरे भाई जब इसको नीचे लोगे तो 18 8 144 होगा ना सर, इज इक्वल टू बी माइनस ए, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही भाई, इसको सेकेंड नाम दे दो उसको फर्स्ट, और सॉल्व करके ए और बी का आंसर निकाल देंगे। चलिए तो लिखो a प्लस बी इज इक्वल टू 18 और b माइनस ए इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 8 आ गया, दोनों क्या कर दो ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो भाई, तो ऐड कर दो के देख लो b और b a और a कैंसिल हो जाएगा है ना, ऐड करो तो क्या कैंसिल होगा a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 18 प्लस 8 26, यस और नो? 26, तो b इज इक्वल टू 13, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 13। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 और बी माइनस ए इज इक्वल टू 8, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है ओके। तो यहां से क्या आ गया आपका देखो जरा, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए दैट इज 2 ए इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 5, मतलब 5, ठीक है। ये देखो तो उसने क्या बोला था कि विच वेक्टर इज स्मॉलेस्ट वेक्टर, मैंने ए को मैंने स्मॉलेस्ट माना था ना, क्यों, क्योंकि ए के साथ मैंने परपेंडिकुलर लिया था, ए आपका छोटा आ रहा है और बी आपका 13 दैट इज बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मैं जेई की प्रिपेयर कर रहा था ये क्वेश्चन करने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने आप के लिए पहले ही ले लिया, ओके लिख लो इसको, लिख लिया ओके। तो चलिए तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, ठीक है आज के लिए स्टॉप करते हैं, आज का मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है क्योंकि मैंने सोचा था एनालिटिकल समझाएंगे और 5 एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए, ओके। होमवर्क नहीं दे रहे हैं आज भी, होमवर्क नहीं दे रहे हैं है ना, बहुत दिन हो गया मैंने होमवर्क नहीं दिया, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, याद होगा हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर पढ़े थे, सर तो यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, और कल और थोड़ा टफ एग्जांपल लूंगा, ओके। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, ओके बाय, थैंक यू।